चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के फिल्म की आधार शक्तिपीठ नलटेश्वरी टेंपल है। पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अब बारी है टेंपल के पीछे का इतिहास की। इतिहास पुराणों के कथन अनुसार कहा जाता है 23 सती की एक पीठों में से एक पीठ है ये नौल देवी नलटेश्वरी टेंपल। यहाँ पे देवी सती का जो गले का कंठ का नली है वो यहाँ पे पड़ने के कारण यहाँ का नाम नलहाटी पड़ा एंड मंदिर का नाम नलटेश्वरी टेंपल। अब बारी है डिस्टेंस की, रेलवे स्टेशन से मंदिर की डिस्टेंस की। रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। यहाँ से आप टोटो या ऑटो के इस्तेमाल करके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जो आपको इसके लिए 10 से 15 रुपए सिर्फ खर्च करने होंगे और आपके टाइम बस 10 से तकरीबन 10 मिनट ही लगता है। बट यहाँ पे जाने के लिए ध्यान रखिए, रेलवे क्रॉसिंग में एक बार के सिग्नल हो गया तो जाम आधे घंटे के लिए लग जाता है। तो टाइम के बचाव करते हुए आपको यहाँ से गुजरना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। रहा नौलाटी स्टेशन, इस स्टेशन के बाहर आपको टोटो या ऑटो मिल जाएगा मंदिर के तरफ जाने के लिए। अब बारी है मंदिर की एंट्रेंस की। ये रहा नौलाटी मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ से आपको मंदिर के अंदर दाखिल होने का अवसर मिलेगा। अब आ रहा है मेन टेंपल। ये रहा नौलाटी टेंपल, श्री टेंपल के मेन टेंपल। यहाँ पे आपको देवी सती के लिए जो प्रसाद मिलता है वो खीर होता है। देवी सती का नली पड़ने के कारण से यहाँ पे भोग सिर्फ खीर होता है। और मंदिर के ठीक सामने 2 से 3 दुकान है जहाँ से आप फूल, दुपकाठी, अगरबत्ती, सिंदूर ये सब खरीद सकते हैं। और प्रसाद के तौर में खास यहाँ पे सिर्फ खीर ही मिलता है। और यहाँ पे मेन टेंपल, यहाँ पे गणपति बाप्पा भी स्थित है। ये रहे गणपति बाप्पा मोरिया। आप बाड़ी है विश ट्री की। यहाँ पे आप छोटे से पत्थर लेके ढागों में पिरो के यहाँ पे बांध सकते हैं। कहा जाता है ये करने से आपका इच्छा पूरा होता है, इसलिए इसे विश ट्री कहा जाता है। इसका महत्व यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप बाड़ी है जो देवी सती का नली यहाँ पे गिरा है उसका डिटेल्स का जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप आएगा वो डिटेल्स देखिए। ये रहा वो डिटेल्स जिसका मैं बात कर रहा था, देखिए अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देवी सती का नल गिरने की वजह से यहाँ का नाम नलहटी पड़ा या देव मंदिर का नाम नलटेश्वरी पड़ा। अब आएगा माता का मूर्ति का अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ नलटेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे आप पूजा भी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे धराभीड़ जैसा क्राउड नहीं होता है। यहाँ पे संध्या आरती, मॉर्निंग में पूजा, सब कुछ आप देख सकते हैं। एकदम भोर में आप यहाँ पे माता का असली मूर्ति भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे स्टे करना होगा। आप बारी है माता की संध्या आरती की। संध्या आरती का लुप्त उठाइए और माता से आशीर्वाद पाइए। होटल्स की, यहाँ पे होटल की ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे 3 से 4 ही होटल है जिसका डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मंदिर के ट्रस्ट से द्वारा बनाया गया लॉज भी है जिसका नाम नलटेश्वरी भवन है। यहाँ पे आपको पहले से बुकिंग करना होता है। और 2-3 लॉज का डिटेल्स अभी दिखाया जाएगा आपको। एक है तारा लॉज जो नलहटी में है, ये रहा एक लॉज। अब आ रहा है दूसरा लॉज जिसका नाम है आस्था लॉज। यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। अब बारी है ट्रांसपोर्टेशन की। यहाँ पे सियालदह से नौलटी आने वाली सारी ट्रेन्स की डिटेल्स दिया है और हावड़ा जंक्शन से नौलटी आने की ट्रेन्स की डिटेल्स एंड टाइमिंग्स एंड फीस भी दिया हुआ है। अब बारी है मालदा टाउन से नौलटी की ट्रेन्स की।
अब बारी है नौलाटी से कोलकाता मतलब शियालदा और हावड़ा जंक्शन जाने की ट्रेन के टाइम की सूची जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब बारी है यहाँ पे पार्वती मिष्ठान्न भंडार है, यहाँ पे पूरी सब्जी बहुत अच्छा मिलता है, आप चाहे तो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, हमने टेस्ट किए हैं इसलिए बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। आखिर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।